आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा अपडेट। चार बार की चैंपियन चेन्नई ने लगाया है हार का चौका। हैदराबाद ने 8 विकेट जीता है मैच। आईपीएल सीजन 15 के 17वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट से चेन्नई को हराते हुए हैट्रिक यहां पर डाली है हार की। वही अंक तालिका में 2 पॉइंट उसने बटोर दिए 155 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। हैदराबाद की टीम ने ओपनर अभिषेक शर्मा के 75 रन के बूते 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। वही रविंद्र जडेजा की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग को इस सीजन में लगातार चौथी हार मिली है। चार बार की चैंपियन टीम की ये अभी यहाँ पर चौथी हार, यानी अब तक इस आईपीएल में एक भी मैच चेन्नई सुपर किंग नहीं जीत पाई है। वही मोइन अली की 35 गेंदों में 48 रन की पारी के बदौलत चेन्नई सुपर किंग ने 7 विकेट पर 154 रन बनाए थे। कप्तान रविंद्र जडेजा ने अंतिम में यहाँ पर 15 गेंदों में 23 रन का योगदान दिया, जैसे टीम का ये स्कोर यहाँ पर बना और बाकी यहाँ पर टीम बाकी विकेट गंवा रही थी। इस हार के साथ ही चेन्नई की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे यहाँ पर पहुंच गई है। वही हैदराबाद की टीम 8वें स्थान पर पहुंची हुई है, उसे 2 हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। वही तीसरा मैच वो जीती है। वही चेन्नई की बैटिंग का हाल देखे तो बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सीएसके के सलामी बल्लेबाज रॉबर्ट थापा 15 रन बनाकर आउट हुए। ज्यादा देर तक वो नहीं टिक पाए और वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर वो आउट हुए थे स्विंग खेलने के चक्कर में। वही पहले 3 ओवर में चेन्नई के जो स्कोर है 25 रन बन गए थे। वही सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 रन को गेंदबाजी पर लगाया। इस बाएं हाथ के गितेज गेंदबाज ने ऋतुराज गायकवाड़ को बोल्ड कर दिया। इससे चेन्नई का स्कोर 5 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट पर 36 रन हो गया। वही टीम को अच्छी भागीदारी की जरूरत थी और मोइन अली और रायडू ने यहाँ पर टीम की स्थिति को संभालते हुए 3 विकेट के लिए 65 रन जोड़े। वही रायडू 27 गेंद पर यहाँ पर उस दौरान उन्होंने 4 बार यहाँ पर गेंद को यहाँ पर सीमा रेखा से पार पहुंचाया, जबकि मोइन अली ने यहाँ पर काम चलाओ पारी यहाँ पर खेली और शानदार 48 रन की पारी उन्होंने खेली। वही शिवम दुबे भी इस मैच में कुछ नहीं कर पाए और 3 रन पर आउट हो गए। धोनी भी 3 रन पर आउट हुए। वही टीम का स्कोर यहाँ पर 7 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना पाया। उसके बाद हैदराबाद ने अच्छी बैटिंग करते हुए इस मैच को यहाँ पर जीत लिया। 2 विकेट खोकर हैदराबाद ने ये जो टारगेट है उसको हासिल कर दिया है, इसलिए हैदराबाद ने इस मैच में यहाँ पर 8 विकेट से जीत दर्ज की है।